कि आप डेंजर एरिया में आ रहे हैं। ये गेंद हल्के से खेला और वहां पर प्रवीण कुलकर्णी ने इस कैच को आखिरकार ग्रहण कर लिया और यह पहले विकेट का पतन होता हुआ। बबलू पठान और पहले ही गेंद पर पठानी वसूली शुरू हो गई है। ये फुल टॉस गेंद थी, पीछा किया और प्रवीण कुलकर्णी ने अच्छा कैच ग्रहण किया। किस चीज पर हंसी मजाक हो रही मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इस कैच को ग्रहण कर लिया है उन्होंने आखिरकार। काफी अजीब और गरीब एक्शन है और उस बीच इस कैच को ग्रहण कर लिया और प्रवीण कुलकर्णी के हाथों ये आउट होकर को मैदान में उतरना पड़ता है। आपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा होगा, ये जबरदस्त गेंद नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। रिव्यू है आपके पास अगर उसका सही था या नहीं। एक्शन रिप्ले चल रहा है यहाँ पर। बबलू पठान की ये गेंद, ये टप्पा खाया लेग स्टंप के ऊपर और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, इंपैक्ट भी यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर हुआ। अंपायर आप अपने फैसले पर बिल्कुल स्थिर रहे, धन्यवाद। रिव्यू गमा दिया है ये, क्योंकि ये गेंद अंपायर कॉल नहीं था, ये बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद निश्चित रूप से। और इस गेंद को खेल दिया है बेहतरीन अंदाज में और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर और फिर एक बार ये गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये क्या हो रहा है, समझ के बाहर हो रहा है। जो भी गेंद खेल रहे हैं बल्लेबाज जहां पर खेलना चाहते हैं वहां पर तो गेंद नहीं जा रही है, लेकिन जहां भी जा रही है रन देकर जा रही है। ये देखिए, ये कहाँ खेलना चाहते थे, ये सामने खेलना चाहते थे। आयन वक्त पर बल्ला तिरछा किया और मिड विकेट पर गेंद गई, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। बहुत ही मजेदार सिद्ध हो रहा है ये मैच और कहाँ पर जाकर रुक गया है ये। 17 गेंदों से अब 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और तनवीर पारकर 14 गेंदों से 24 रन की जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। कल भी इसी तरह से उन्होंने अंजाम दिया था और हम कह रहे थे कि बबलू पठान की पारी का यहाँ पर क्या तोड़ है, तो ये तोड़ है इस तरह की बल्लेबाजी। गेंद स्लो गेंद कर दी, बहुत होशियारी वाली गेंदबाजी, काफी होशियारी वाली गेंदबाजी इस समय, बहुत बढ़िया होशियारी वाली गेंदबाजी। ये देखिए, स्लो गेंदबाजी कर दी उन्होंने, सिर्फ तेज गेंदबाजी से यहाँ पर काम नहीं बना। ये बहुत बढ़िया, इस एक्शन से इस तरह की स्लो गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बबलू पठान ये बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। इनको पूरी तरह से सुखाया उन्होंने, ये देखिए मुंह से फैन भी चला रहे हैं, सुखा रहे हैं गेंद को और कोशिश कर रहे हैं कि वो गेंद ग्रिप अच्छा करे ताकि स्लो गेंदे और तेज गेंदे दोनों साथ में। और ये बहुत करारी गेंद, पूरी ताकत लगा दी थी इस गेंद के पीछे और काफी पटकी हुई गेंद सीम के सहारे उछाल लेती हुई विकेट कीपर के पास। अंतिम कुछ ओवर्स में ये गेंद है, उसके बावजूद ये देखिए उछाल, ये बढ़िया वाला उछाल मिला है इस गेंद पर। ओ हो, बढ़िया वाला उछाल और विकेट कीपर के पास बहुत अच्छी कैरी हुई है। काफी खुश होते हैं विकेट कीपर इस तरह की गेंदें आए। हाँ, वाइड बॉल पकड़ने में बहुत कष्ट होता है उन्हें। ओह, बढ़िया गेंद, करीब करीब सीने की हाइट वाली गेंद थी। ओह, लगातार दो गेंदे उसी प्रकार से की है और अब इस मैच में ट्विस्ट आता हुआ और योगेश अन्ना काफी मुस्कुरा कर स्वागत कर रहे हैं इन दोनों गेंदों का। रन संख्या इस समय 198 रन, 200 रन में बस दो रन की दूरी, 14 गेंदों से 29 रन चाहिए, 16 गेंदों से 29 चाहिए थे, लेकिन ये दो गेंदें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। और बबलू पठान ने पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद तीन गेंदें डॉट की है, एक वाइड गेंद जरूर डाली है लेकिन तीन गेंदें डॉट की है और वो गोल्डन गेंदें मानी जाएगी, सुनहरी गेंदें मानी जाएगी। अगली गेंद और लगातार बार बार लगातार तनवीर पारकर जैसे बल्लेबाज जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको यहाँ पर बार बार लगातार मात दी है और अब 13 गेंदों से चाहिए कुल मिलाकर 29 रन।
अंतिम गेंद और इस गेंद को खेल दिया रवि भोंगोल की नहीं, प्रवीण कुलकर्णी ने कोई गलती नहीं की और बिल्कुल सही जगह पर फील्डर तैनात होने का इरादा। और ये देखिए समर्थक, ये समर्थकों के ऊपर यहां पर नजारे और समर्थक कह रहे हैं मी काय म्हटलं होतं, हेच म्हटलं होतं की तिथे कॅच जाईल आणि त्याच प्रकारे कॅच जाईल आणि प्रवीण कुलकर्णी कॅच घेऊन टाकेल आणि वैसी ही हुआ। समर्थक ये सब बाद में बोलते हैं जब होने घटना होने के बाद। बहुत अच्छा शॉट था, ये शॉट में कोई गलती नहीं थी लेकिन फील्डर वहां पर खड़े करने की किसने यहां पर बात की थी तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है।